नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। आज की वीडियो होने वाली है कैसे आप अपने एंड्रॉइड फोन को अपनी क्रोमबुक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह पा सकते हैं और भी काफी सारी चीजें कर पाएंगे जब आप अपने एंड्रॉइड फोन को क्रोमबुक के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो इस वीडियो में वही सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं और कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा अपनी क्रोमबुक की सेटिंग्स में चले जाना है। यहाँ से आप जा सकते हैं और बाकी इधर की साइड से भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको आ जाना है कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर। जैसे आप कनेक्टेड डिवाइसेस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एंड्रॉइड फोन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, दो चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है। पहले ये कि आपके पास एक एंड्रॉइड फोन ही होना चाहिए, उसके अलावा ये नहीं, अगर आपके पास एप्पल का आईफोन है वो यहाँ पर कनेक्ट नहीं होता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, एंड्रॉइड का कोई भी फोन हो, सैमसंग का हो, रियलमी का हो, रेडमी का हो, किसी भी कंपनी का हो, वो इजी तरीके से वर्क करेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर आपका सेम गूगल अकाउंट दोनों ही एक तरह से डिवाइसेस में लॉगिन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपका कोई गूगल का अकाउंट है जो कि जिससे आप यूट्यूब वगैरह यूज करते हैं, वो आपके फोन में लॉगिन है, तो वही सेम अकाउंट आपको अपने क्रोमबुक के अंदर भी लॉगिन करना होगा, तभी ये चीज वर्क करेगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपकी क्रोमबुक में कोई अकाउंट अलग है तो उसको अपने फोन में लॉगिन कर लीजिएगा, फिर इस तरीके से आप ये काम कर पाएंगे। तो ये चीज, दो चीज आपको याद रखनी होगी। अगर ये दोनों कंडीशन आप फुलफिल करते हैं, उसके बाद आप कनेक्ट कर पाएंगे। कनेक्ट करना काफी सिंपल है, यहाँ पर आप सेटअप पे जाइएगा। जैसे सेटअप पर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी डिवाइस को रिकॉग्नाइज कर लेगा कि आपके कौन से फोन के अंदर ये डिवाइस, यहाँ पर बेसिकली जो अकाउंट है वो लॉगिन है। तो जैसे ही यहाँ पर लिखा जाएगा, फिलहाल मेरे पास रियलमी का एक फोन है तो उसके साथ ही मैं कनेक्ट करके दिखा रहा हूं। यहाँ पर देखो, दूसरी डिवाइस भी लिखी आ रही है जो सैमसंग के पास टैबलेट है, कि उसके साथ भी जुड़ सकता है क्योंकि वहां पर भी सेम अकाउंट लॉगिन है। लेकिन अभी मेरे को अपने फोन के साथ कनेक्ट करना है तो मैं रियलमी का यहाँ पर फोन सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे इसको सेलेक्ट करता हूँ, अब मेरे को आगे बढ़ना होगा, उसके लिए मैं एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब ये दोस्तों, यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा आपके गूगल अकाउंट का, तो वो आप इस तरीके से डाल दीजिएगा। अगर आपको याद नहीं है तो उसके लिए आप पासवर्ड फॉरगेट वगैरह कर सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा अपने अनुसार। मैं एक बार इसका पासवर्ड डालता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से मैं अपना पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ और उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर डन। जैसे ही मैंने डन किया तो दोस्तों ये वर्क कर जाएगा, अभी चेक करेगा। उसके बाद ये दोस्तों देखिएगा, रेडी लिखा गया है। इसके बाद मैं डन एक बार और करता हूँ। जैसे मैंने डन किया, ये वेटिंग फॉर वेरिफिकेशन लिखा आ रहा है और मेरे को एक बार वेरीफाई के लिए क्लिक करना होगा। अभी दोस्तों ऑलरेडी ये वेरीफाइड है क्योंकि मैंने पहले भी एक बार कनेक्ट किया हुआ था। यहाँ पर नीचे की साइड आपको स्मार्ट लॉक इज टर्न ऑन लिखा रहा होगा। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है, जैसे आप अपने फोन को आपके क्रोमबुक के नजदीक लाएंगे या फिर आपका फोन आपके क्रोमबुक के पास में होगा, तो दोस्तों आपकी क्रोमबुक ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी। उसके लिए आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बार बार पासवर्ड एंटर कर रहे हैं। तो ये काफी एक यूनिक फीचर है, इसको चाहे तो आप ऑन कर सकते हैं, चाहे तो ऑफ कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। बाकी दोस्तों, हम सेटिंग्स में जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो जो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया, स्मार्ट अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसको आप अपने अनुसार यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन सबसे इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है, जिन लोगों के पास वाईफाई की सुविधा नहीं है या फिर गांव वगैरह में रहते हैं जहां पर अभी वाईफाई नहीं है, तो वो अपने फोन का इंटरनेट यूज करते हैं। तो उसके लिए आपको बार बार अपने फोन में जाकर हॉटस्पॉट, पर्सनल हॉटस्पॉट वगैरह क्रिएट करना पड़ता है, ये चीज करनी पड़ती है, तो काफी हेडेक वाला काम होता है कभी कभी। तो आप सिंपल से अपने लैपटॉप को ऑन कीजिए। यहाँ पर आपको इंस्टेंट थेथरिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसको जैसे ही ऑन करेंगे तो आपके फोन के थ्रू इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। काफी यूजफुल और हैंडी फीचर है। बाकी दोस्तों, बढ़ते हैं अगले फीचर की तरफ, जो कि है फोन हब। अब इसके अंदर आपको 3 डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, इसको आप ऑन करके रखेंगे तभी ये काम करेगा, कभी कभी ये ऑटोमेटिकली ऑन नहीं रहता है। यहाँ पर अगर आप अपने क्रोम में, यानी कि क्रोम ब्राउजर के अंदर कोई टैब वगैरह में कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं वो डायरेक्ट आपके लैपटॉप में देखने को मिल जाए, तो सिंपल सा ये आपकी जो भी क्रोम में टैब खुली रहेंगी वो आपके एक तरह से आपके लैपटॉप के अंदर भी खुल जाएंगी। तो ये काफी अच्छा फीचर है स्टूडेंट्स वगैरह के लिए, जो लोग पीडीएफ वगैरह पढ़ते हैं उनके लिए भी काफी बढ़िया है, तो ये चीज आप कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर ये कि बाकी दोस्तों, सेकंड लास्ट ऑप्शन की बात करें जो कि रिसेंट फोटोज एंड नोटिफिकेशन, इसकी मदद से आप अपने जो भी आपके फोन पे नोटिफिकेशन आते हैं, अब वो किसी भी ऐप से आए, वो सारे आपको आपके जो क्रोमबुक है उसके ऊपर देखने को मिल जाएंगे। चाहे तो व्हाट्सएप के यहाँ पर आपके मैसेजेस आ रहे हों या फिर कुछ और टेलीग्राम वगैरह की चीजें आ रही हों, वो आपके नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। साथ में एक और अच्छा फीचर जो कि अभी आया है कि आप अपने फोन के फोटोज मीडिया भी अपने एक तरह से क्रोमबुक के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटअप पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर दो चीज याद रखनी है, आपकी फोन के ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों ऑन होने चाहिए और दोस्तों वो लगभग आपके नियर बाय, ये जैसे लिखा रहा है नियर बाय, और आपका फोन जो है वो अनलॉक होना चाहिए। ये आपको कंडीशन फुलफिल करनी होगी, उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाइएगा। इस तरीके से ये चीज कर सकते हैं। अभी फिलहाल वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर इसको आप इस तरीके से कर पाएंगे, तो मैं यहाँ पर इसको अवॉइड करता हूँ आपको दिखाना।
तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अगर आपको तभी भी आपका अगर नहीं हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बोल दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा, इसमें कोई इशू नहीं है। बाकी दोस्तों वाईफाई शिंक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एक ही नेटवर्क पे आपके घर घर वाईफाई लगा हुआ है तो आप एक ही नेटवर्क पे सारी चीजें कर सकते हैं। आपका दोनों फोन एक ही नेट जो फोन है और बेसिकली क्रोमबुक है एक ही नेटवर्क पे आ जाएंगे, तो ये चीज आप कर पाएंगे। तो इस टाइप से दोस्तों ये अभी कंप्लीट ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अगर आपको कोई और फोन कनेक्ट करना है इसकी जगह, जो भी आपका करंट फोन है उसकी जगह कोई और फोन कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिस्कनेक्ट करके इस फोन को आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। इस टाइप से दोस्तों कंप्लीट ऑप्शन देखने को मिल जाता है कैसे आप अपने फोन को क्रोमबुक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही क्रोमबुक से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो एक वीडियो मैंने पहले पोस्ट की हुई है, और ज्यादा मैं वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा जहां से आपका जो एक्सपीरियंस है क्रोमबुक का वो काफी अच्छा हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोज देखने के लिए। थैंक यू सो मच।